हेलो गाइस, सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। और जो एशियन गेम्स का क्लास था वो 1:10 में स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 10 मिनट लेट है हम, लेकिन मैं चाहता था कि ए टू जेड जितना भी डिटेल से एशियन गेम्स का वो आज आप लोग का क्लियर करा दूं, ठीक है। तो इसलिए 10 मिनट लेट ही सही, लेकिन एशियन गेम्स का पूरा डाउनलोड मैं आप लोग को दे दूंगा। इसका आप लोग को पीडीएफ भी मिलेगा और ईच एंड एवरी डिटेल मिलेगा, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज से लेकर जितना लेटेस्ट न्यूज आया है इससे रिलेटेड, जितना भी हिस्टोरिक मोमेंट हुआ है वो सारा चीज आप लोग को क्लियर करा दिया जाएगा एशियन गेम्स का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली ग्रुप डी के लिए, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम अभी आने वाला है, डेट्स भी आ गए हैं। तो प्लीज गाइज, ऐसा मत सोचिएगा कि एशियन गेम्स से क्वेश्चन नहीं बनेगा। एशियन गेम्स जो है एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर लेकर आया है, इसलिए वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो सारा डिटेल आप लोग को लेना है इसका, तो प्लीज जल्दी से जुड़ जाइए। क्लास को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपने पहले टॉपिक के साथ, सारा डिटेल आप लोग को मैं कराऊंगा, आप लोग बस नोट कर लीजिएगा उसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी है उसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे नए जुड़ हैं सक्सेस की 98 के साथ, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो स्टार्ट करूंगा मैं आज का अपना पहला टॉपिक के साथ क्लास। सबसे पहले देख लेंगे पहला टॉपिक क्या है। टॉपिक वाइज आप लोग प्लीज नोट बनाइएगा, ये जो क्लास है ना ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक के साथ। जी सर, पहला टॉपिक डाल दीजिए यहाँ पर। पहला टॉपिक आएगा हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में दिया हुआ है, सिर्फ आप लोग के लिए हिंदी में लेकर आया हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ पाए। चलिए, तो ये देखिए पहला टॉपिक ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर है, इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मेडल टेबल, यानी कि जितने भी मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कंट्री वाइज, ये पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। जितने भी पदक तालिका में कौन सा देश कितने नंबर पर है, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है भारत तक। भारत का सबसे पहले नोट कर लीजिए, सबसे नीचे से 8 नंबर पर है भारत, ठीक है। तो इस लिस्ट में 8 नंबर पर है, इसको आप लोग को नोट करके रखना है। टोटल 69 मेडल्स भारत ने जीते हैं, जिसमें 15 गोल्ड है, 24 सिल्वर है और 30 ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये सारे चीज आप लोग को नोट करना है, ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए नीचे भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि 69 मेडल के साथ भारत ने पहली बार 2018 में ये रिकॉर्ड बनाया है कि 69 मेडल्स भारत ने 2018 में सबसे पहली बार जीता है। प्रीवियस इसका बेस्ट था 2010 का, उसको भी इसने तोड़ दिया है 69 मेडल्स के साथ। और यहाँ पर देखिए चाइना जो है नंबर वन पर है, चीन 132 गोल्ड मेडल, 92 सिल्वर मेडल और 65 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 289 मेडल्स टोटल जीता है चीन ने, ठीक है। तो चीन का एक रिकॉर्ड है, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग पॉइंट्स टेबल को आप लोग नोट कर सकते हैं। चाइना टॉप पर है, 2 पर जापान है, 3 पर साउथ कोरिया, 4 पर इंडोनेशिया है, 5 पर उज्बेकिस्तान है और 8 नंबर पर भारत है। तो ये सारी चीज आप लोग को यहाँ से नोट करना था। अब आएगा, देखते हैं इस पर आगे और चर्चा करते हैं एशियन गेम्स पे, पूरा डिटेल ईच एंड एवरी चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए दूसरा देख लेते हैं, ये क्या गया यहाँ पर, क्या बोल रहा है कि एशियन गेम्स का एक दूसरा नाम भी है एसीएड। देखिए यहाँ पर ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है, एसीएड भी बोला जाता है एशियन गेम्स को। और जो एशियन गेम्स है इसको रेगुलेट कौन करता है, एशियन गेम्स फेडरेशन करता है, AGF। यहाँ पर ऑलरेडी आपके स्क्रीन में लिखा हुआ है हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो एशियन गेम्स फेडरेशन द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है और ये एशियन गेम्स 1951 से चला आ रहा है। और भारत में सबसे पहले 1978 में दिल्ली में खेला गया था एशियन गेम्स। तो ये सारे चीज यहाँ पर, ये डिटेल्स जो है, ये पॉइंट्स आप लोग को नोट रखना है इस टॉपिक से, ठीक है। तो फटाफट कराऊंगा, काफी ज्यादा टॉपिक्स हैं तो आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा। अगर कोई भी चीज आप लोग का छूटता है, मिस होता है, तो आप लोग दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं, बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा। कोई भी चीज का अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, लाइव कमेंट्स भी कर सकते हैं या वीडियो खत्म होने के बाद भी कमेंट्स कर सकते हैं। मैं ईच एंड एवरी चीज का पूरा डिटेल आप लोग को बता दूंगा। एशियन गेम्स से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो प्लीज उसको छोड़ के मत आइएगा। चलिए अगला टॉपिक आपके स्क्रीन पर आएगा। अब मेरा 2 ऑलरेडी हो गया है। देखिए ये सेकेंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, बहु खेल आयोजन सेकेंड लार्जेस्ट है, ओलंपिक सबसे बड़ा है, ओलंपिक के बाद आता है एशियन गेम्स का नंबर।
ठीक है, तो जितना भी स्पोर्ट्स गेम होता है उसमें सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स गेम है वो है ओलंपिक्स का, और दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स गेम है वो एशियन गेम्स है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोग को यहाँ पर नोट करके रखना है कि ओलंपिक खेलों के बाद दूसरा सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन है एशियन गेम्स। ठीक है, अब आएगा मेरा चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक को स्क्रीन पर ले आते हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं चौथा टॉपिक क्या आ रहा है। देखिए गाइस, क्लास का जो नोटिफिकेशन है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर अभी तक गया नहीं है, तो रिक्वेस्ट करूँगा जो भी बच्चे देख रहे हैं वो अगर हो सके तो इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ये जो क्लास है ये सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी सरकारी नौकरी का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 46 देशों ने पार्टिसिपेट किया है इस साल। तो 46 देश ने इस साल पार्टिसिपेट किया है, और इजराइल जो है 1974 के बैन के बाद इस साल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये भी चीज़ आप लोग को नोट करना है कि इजराइल पर बैन लगा हुआ था 1974 के बाद, तो उसके बाद 2018 में इजराइल भी 46 देशों में शामिल हो गया है। तो 46 देश टोटल पार्टिसिपेट किए हैं एशियन गेम्स में, इसका भी आप लोगों को नोट रखना है। ठीक है, अब आएगा मेरा अगला टॉपिक देखेंगे, ईच एंड एवरी चीज बताऊंगा पिक्स के साथ, फोटो के साथ। गेम समझ में नहीं आएगा उसका ही फोटो मैं अपलोड करूंगा। तो प्लीज गाइस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा और ईच एंड एवरी टॉपिक जो आपका है उसको क्लियर कर लीजिएगा एशियन गेम्स से। ठीक है, अगला टॉपिक अब देखेंगे, अगला टॉपिक क्या है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि 46 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसराइल जो है 1974 के बैन के बाद इस साल पार्टिसिपेट कर रहा है। ये दो चीज इस पॉइंट से नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, अगला आ गया है मेरा, देखिए 2022 का जो एशियन गेम्स है वो कहाँ होने वाला है, ये भी नोट कर लीजिएगा। हर चार साल में एक बार होता है, इसको मैं लिखूंगा, देखिए यहाँ पर हैजोंग चाइना में होने वाला है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि चाइना में होगा 2022 का गेम, ये चीज आप लोग को नोट करना है। चाइना में होगा 2022 का जो एशियन गेम्स है वो चाइना में शेड्यूल किया गया है, हैजोंग में। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को यहाँ पर नोट करना है। तो 2018 हो गया, 2022 का होने वाला ये भी हो गया। अब बता दे रहा हूँ कि 2014 में कहाँ पर खेला गया था एशियन गेम्स, ये चीज आप लोग को नोट करना है। ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर से, देखिए ईचियन दक्षिण कोरिया में सेलिब्रेट किया गया था, होस्ट किया गया था 2014 का एशियन गेम्स। तो ईचियन दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में 2014 का एशियन गेम्स सेलिब्रेट किया गया था। तो यहाँ पर हो गया 2022 चाइना में होने वाला है, 2014 कहाँ हुआ था, साउथ कोरिया में हुआ था, 2018 कहाँ हुआ था, इस साल सभी को पता है इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज आप लोग को नोट रखना है। अब आएगा अगला टॉपिक, कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, लेकिन एक एक टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो सारा टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला, इंडिया का 8th रैंक था 2014 में, जो इस साल भी बरकरार है। ठीक है, तो इसमें कुछ सुधार नहीं हुआ, उसका रैंक वही है, बस एक चीज में सुधार हुआ है कि 2014 में भारत ने 57 मेडल जीते थे, लेकिन इस साल 69 मेडल जीते हैं भारत ने। तो ये रिकॉर्ड मेडल्स का टूटा है, लेकिन 2014 में भी भारत था 8वें नंबर पर, और 2018 में भी भारत 8वें नंबर पर ही है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट रखिएगा, 57 से 69 मेडल इस साल जीता है भारत। अब आएगा अगला टॉपिक आपके स्क्रीन पर, सारे चीज इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ है, रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग एक बार खुद से पढ़िएगा जो भी स्क्रीन पर आ रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर आप लोग दिख रहा है एटम जो है वो डियर है, ब्राउन कलर का छोटा सा, वो भी आप लोग को दिख रहा है, और काका जो है ये राइनोसोरस बीच में व्हाइट कलर का आप लोग को दिख रहा है। तो ये तीनों मैस्कॉट्स हैं, और तीनों देखिए, तीनों के बारे में कुछ दिया गया है, भिन्न भिन्न के बारे में दिया गया है। स्वर्ग का एक बड़ा पक्षी माना जाता है भिन्न भिन्न को। ठीक है, तो ये आप लोग नोट रखिएगा कि भिन्न भिन्न किसका प्रतीक है। एटम जो है वो एक वाहन हिरन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। बावन हिरन है एक जो अटंग है एटम, ठीक है, जिसको डियर कहा गया है। यहाँ पर ब्लू आप लोग को ब्राउन कलर में एक हिरन दिख रहा होगा पिक्चर में, और काका जो है एक जावन राइनोसोरस है। तो ये भी आप लोग नोट रखिएगा,
तीनों मैस्कॉट्स इंपॉर्टेंट है इस बार एशियन गेम्स के। अब आएगा अगला टॉपिक, चलिए अगला देख लेंगे। ये मैस्कॉट्स और ये जो मोटो है ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला आ गया है, देखिए मैस्कॉट्स के बारे में और डिटेल में बताया गया है यहाँ पर। ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न रीजन को ये मैस्कॉट प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भिंडिक जो है वो ईस्टर्न रीजन को रिप्रेजेंट करता है, एटम जो है वो सेंट्रल रीजन को, और जो काका है वो वेस्टर्न रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तीनों इंडोनेशिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए ये तीनों प्रतीक हैं स्ट्रेटजी के, स्पीड के और स्ट्रेंथ के, यानी कि रणनीति, गति और ताकत, ये तीनों इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज आप लोगों को नोट करना है, रणनीति, गति और ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं ये तीनों मैस्कॉट्स। तो ये सारी चीज आप लोगों को जरूर याद रखना है। अब आएगा अगला टॉपिक जो मेरा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। देखिए 45 नेशंस हैव पार्टिसिपेटेड, यानी कि 45 देशों ने इस साल हिस्सा लिया है एशियन गेम्स में। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, टोटल 45 देश हैं इस साल हिस्सा ले रहे थे एशियन गेम्स के अंदर, और टोटल जो है 465 इवेंट्स हुए थे 40 स्पोर्ट्स के तौर पर, यानी कि 40 खेल हुए हैं लेकिन उन खेलों में 465 इवेंट हुए। जैसे रेस हो गया, रेस क्या होता है, 100 मीटर का होता है, 200 मीटर का होता है, 400 मीटर का होता है, तो ऐसे करके 40 टोटल स्पोर्ट थे। रेस एक स्पोर्ट हो गया, ऐसे करके 40 स्पोर्ट थे लेकिन उसमें इवेंट कितने थे, 465 इवेंट थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ से नोट करना है, 45 देश थे, 465 इवेंट्स थे और 40 स्पोर्ट्स थे इस साल 2018 एशियन गेम्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज बोल रहा है कि क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो कहाँ पर हुआ था, गैलोरिया बंग कार्नो मेन स्टेडियम जकार्ता में हुआ था। तो इसका आप लोग नाम नोट कर लीजिएगा, गैलोरिया बंग कार्नो मेन स्टेडियम जकार्ता में इसका क्लोजिंग सेरेमनी हुआ था। अब आप लोगों को क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में, ओपनिंग सेरेमनी के बारे में पूरा डिटेल दूंगा अगले टॉपिक्स के अंदर, आप लोग बस देखते रहिए ध्यान से। अगला टॉपिक स्क्रीन पर आएगा आपके, जी हाँ, देखिए ये क्या बोल रहा है, टॉर्च लाइट लेकर कौन सी प्लेयर जो है वो इसको प्रतिनिधित्व की है इस बार एशियन गेम्स 2018 का। देखिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, लुसिया फ्रांसिका सुसी सुशांति, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। इन्होंने ही टॉर्च लाइट जो होता है एशियन गेम्स का उसको रिप्रेजेंट किया है, उसको कैरी किया था। तो टॉर्च लाइट कैरी करने वाली जो महिला है वो है लुसिया फ्रांसिका सुसी सुशांति। ये कौन है, ये एक रिटायर्ड बैडमिंटन प्लेयर है इंडोनेशिया की, तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। टॉर्च लाइट दिखाने वाली इस बार एशियन गेम्स के अंदर कौन थी, तो आप लोग बोलिएगा लुसिया फ्रांसिका सुसी सुशांति। एक एक चीज को रट लीजिए, क्लियर कर लीजिए, कोई भी चीज का डाउट मत रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज आप लोग को नोट करना था, होप करता हूँ आप लोगों ने नोट जरूर किया होगा। जो भी बच्चे अभी क्लास ले रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन मैं चाहता हूँ गाइज कि ये एडवांटेज आप सभी को दीजिए, आप खुद से इसको शेयर कीजिए इस क्लास को, और जितने भी बच्चे हैं, जो भी दोस्त हैं, जो भी देखना चाहते हैं इस क्लास को, जो भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं स्पेशली ग्रुप डी का, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा अगर आप लोग शेयर कर देंगे क्लास को। तो हो सकेगा तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी सक्सेस की 98 पर। जी हाँ, देखिए पहला गेम इस साल इंट्रोड्यूस किया गया है 2018 के एशियन गेम्स में, जिसका नाम है स्पोर्ट ऑफ ब्रिज, यानी ताश हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, पहली बार पूल का खेल जो ताश होता है ना, उसी का एक गेम स्पोर्ट ऑफ ब्रिज, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, सिंपल भाषा में ताश का खेल इस बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 के एशियन गेम्स में। तो इसका आप लोग जरूर नोट रखिएगा, स्पोर्ट ऑफ ब्रिज जो है इसी साल पहली बार खेला गया एशियन गेम्स के अंदर। ठीक है, तो इसका जरूर नोट रखिएगा। अब आएगा अगला, देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या रहा है, ईच एंड एवरी डिटेल बताऊंगा मैं, गोल्ड मेडल किसको मिला, कब मिला, कैसे मिला, किस गेम में मिला, तो आप लोग बस क्लास के साथ बने रहिए। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है कि खो खो जो है वो अगले साल से हो सके तो एशियन गेम्स के अंदर शामिल हो सकता है, इसको ऑफिशियल सोर्सेस ने न्यूज दिया है पीटीआई को। पीटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई का अगर आप लोग चाहते हैं तो फुल फॉर्म नोट कर सकते हैं, ऑफिशियल जो सोर्सेस हैं एशियन गेम्स की, उन्होंने एक न्यूज दिया है पीटीआई को
कि अगले साल से हो सके तो खो खो को भी मान्य कर दिया जाएगा एशियन गेम्स के अंदर। खो खो एक भारत का ही गेम है, सभी खेले होंगे बचपन में कभी ना कभी, तो इसका आप लोग नोट जरूर रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा गेम है जिसको अगले एशियन गेम्स से मान्य कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए इसका भी आप लोग नोट रखिएगा जरूर। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का फुल फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। अब आएगा अगला टॉपिक, अगला देख लेते जल्दी से, थोड़ा लंबा होगा ये क्लास, लेकिन एशियन गेम्स में जितना आप लोग का डाउट है ना वो A to Z क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस थे जो भी बन सकते हैं इस बार, वो ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पर आज अपलोड किया हुआ है, सिर्फ आप लोग के लिए एक एक कर सारे आ रहे हैं। देखिए अगला भी आ गया है, यहाँ पर नोट करने वाला चीज क्या है, क्लोजिंग सेरेमनी कब हुआ था, 2 सितंबर 2018 को एशियन गेम्स का आखिरी दिन था, उसी दिन इसका क्लोजिंग सेरेमनी भी हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया, गेलोरा बंगकार्नो मेन स्टेडियम जकार्ता में हुआ था एशियन गेम्स का क्लोजिंग सेरेमनी। तो ये चीज़ आप लोग को नोट करना है यहाँ पर। और एक चीज़ है कि चाइना जो है ये 10वीं बार लगातार टॉप पर रहा है एशियन गेम्स के अंदर। तो यहाँ से दो चीज़ नोट करने वाली है, क्लोजिंग सेरेमनी कब हुआ था, 2 सितंबर 2018 को कहाँ हुआ था, गेलोरा बंगकार्नो मेन स्टेडियम जकार्ता में हुआ था। और चाइना जो है वो लगातार 10वीं बार जो पदक तालिका है उसमें टॉप किया है। तो ये सारी चीज़ यहाँ से नोट करने वाली थी, तो प्लीज़ इसका नोट रखिएगा आप लोग। ईच एंड एवरी चीज़ लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, सारे बच्चे आराम से नोट कर सकते हैं इसको। अगला टॉपिक आएगा, सारे जो है कहीं से भी कोई भी टॉपिक से प्रश्न आ सकता है, लेकिन प्रश्न आएगा ही आएगा एशियन गेम से। सारे बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गाइज एक घंटा देकर देखिए, आपका एशियन गेम्स पूरा क्लियर हो जाएगा और आपका कुछ ना कुछ नंबर तो एग्जाम में बढ़ेगा ही बढ़ेगा इस क्लास से, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, रिकाको इक्की जो है इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया है एशियन गेम्स 2018 का। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका नोट आप लोग को रखना ही रखना है। रिकाको इक्की अनाउंस एज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द एशियन गेम्स 2018। जापानीज के स्विमर हैं ये, तो ये आप लोग भी नोट कर सकते हैं, जापानीज के स्विमर हैं रिकाको इक्की, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं 2018 एशियन गेम्स के। तो ये चीज़ आप लोग जरूर नोट रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। अब आएगा अगला टॉपिक, अगला टॉपिक भी देख लेंगे। देखिए पहली बार ई स्पोर्ट्स और कैनोई पोलो ये दोनों खेल भी इस बार चुने गए हैं और इस बार खेले गए हैं, तो ये दोनों खेलों का भी प्रदर्शन हुआ है इस बार एशियन गेम्स में। तो दो खेल कौन से हैं, ई स्पोर्ट्स और कैनोई पोलो, तो ये दोनों खेलों के नाम भी आप लोग को याद रखना है, 2018 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं, ये दो खेल भी हैं पहली बार एशियन गेम्स में खेले गए हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस इसमें से और कुछ याद रखने लायक नहीं है, बस स्पोर्ट्स का नाम याद रखिएगा, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है एशियन गेम्स के अंदर। अब आएगा अगला देख लेते हैं, एक बार बच्चों का मैं कमेंट्स देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे जो हैं वो इस क्लास को पसंद कर रहे हैं, नहीं, क्लास कैसा लग रहा है आप लोगों को। हेलो सर, हाय सभी को, हेलो, थैंक्स कि आप लोग ये क्लास देख रहे हैं। अगर वीडियो रुक रहा है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्लास बिल्कुल सही चल रहा है, आप लोग हो सके जिनका भी वीडियो अटक रहा है वो रिफ्रेश कर सकते हैं क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया अगला कि 572 in 36 स्पोर्ट्स, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 572 खिलाड़ी, ठीक है, तो 572 खिलाड़ी जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं इस बार एशियन गेम्स में अंदर भारत की ओर से। तो भारत की ओर से इस बार 572 खिलाड़ी गए थे एशियन गेम्स खेलने, ठीक है, और जिसमें उन्होंने 36 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, 36 स्पोर्ट्स में ये 572 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये चीज़ आप लोग को नोट रखना है कि 572 खिलाड़ी गए थे एशियन गेम्स में और 36 स्पोर्ट्स में ये 572 खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से नोट करने वाला है, आप लोग जरूर इसका नोट रखिएगा। अब आएगा अगला, अगला टॉपिक देख लेंगे, अगला टॉपिक के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा, जो जो चीज़ है इम्पोर्टेंट वो सारा कवर हुआ है इस क्लास में। तो ईच एंड एवरी चीज़ का जितना भी टॉपिक था,
जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ क्लास में कवर हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग क्लास के साथ बने रहिएगा। ऑलमोस्ट आधा का लगभग हो गया है और आधा बचा हुआ है क्लास, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे भारत की ओर से, तो ध्वजवाहक जो थे फ्लैग बियरर वो नीरज चोपड़ा थे ओपनिंग सेरेमनी के लिए, और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए रानी रामपाल थी फ्लैग बियरर या ध्वजवाहक आप लोग बोल सकते हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी में किसने फ्लैग को बियर किया था और क्लोजिंग सेरेमनी में किसने फ्लैग को बियर किया था, ये दोनों नाम इम्पोर्टेंट है। तो जेवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा और रानी रामपाल जो है वो वुमेन्स हॉकी टीम की कप्तान है, तो ये आप लोग को नोट रखना है। यहाँ पर रानी रामपाल जो है ये क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थी, नीरज चोपड़ा जो है ये ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे, तो ये दोनों चीज आप लोग को जरूर नोट रखना है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से बन सकता है आपके लिए। चलिए अगला टॉपिक अब आएगा, ऑलमोस्ट 20वां नंबर चल रहा है हमारा, ये देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। तो इंडिया का प्रीवियस बेस्ट मेडल का काउंट जो था वो 65 था, जो कि उसने चाइना 2010 में हासिल किया था 65 मेडल। तो ऑलरेडी जो भी बच्चे क्लास के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि 65 मेडल भारत का हाईएस्ट था 2010 में, लेकिन इस साल 69 मेडल्स भारत ने जीते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस जितना भी रिकॉर्ड था मेडल्स का एशियन गेम्स में वो सारा टूट गया है, तो ये आप लोग को जरूर नोट रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस बेस्ट था 65 मेडल 2010 में, इस साल है 69 मेडल, ये आप लोग को याद रखना है जरूर। अब आएगा अगला टॉपिक, देखिए गोविंदन लक्ष्मणन इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था मेंस 1000 मीटर से, माफ कीजिएगा मेंस 10000 मीटर से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, और इनको ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। ब्रॉन्ज जीतने के बाद ये डिस्क्वालीफाई हो गए, वरना ये सिल्वर या गोल्ड भी हासिल कर सकते थे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन गया आपके लिए। गोविंदन लक्ष्मणन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे मेंस 10000 मीटर, ठीक है 10000 मीटर्स का इवेंट से, किस लिए, क्योंकि उन्होंने ट्रैक को पहले ही पार कर लिया था, रेस स्टार्ट होने से पहले ही ट्रैक को उन्होंने पार कर लिया था, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, गोविंदन लक्ष्मणन डिस्क्वालीफाई हो गए थे और ब्रॉन्ज मेडल जीते थे 10000 मीटर की रेस में, ठीक है। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था, इसका भी आप लोग नोट रख सकते हैं, ये भारत की ओर से था इसलिए मैंने क्वेश्चन में डाल दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए। चलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं, काफ़ी बहुत बड़ा है, आप लोगों को इसका पीडीएफ मिलेगा जरूर। मैं आपको सिर्फ जिस्ट दे रहा हूँ कि रेसलर जो है बजरंग पुनिया हरियाणा की ओर से उन्होंने पहली बार गोल्ड मेडल हासिल किया एशियन गेम्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को जरूर नोट करना है, इसका इमेज जरूर मैं आप लोग को दूंगा, बजरंग पुनिया जो है इनका इमेज अपलोड होगा, आप लोग जरूर इसका नोट रखिएगा, इनको एक बार देख लीजिए। जी हाँ ये है, जी हाँ बिल्कुल, देखिए आपके स्क्रीन पर है बजरंग पुनिया, आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यही है बजरंग पुनिया, वॉन इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल। देखिए रेसलिंग में भारत की ओर से पहली बार गोल्ड मेडल जीतने वाले यही है, तो जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के रहने वाले हैं ये, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 65 केजी की कैटेगरी में इनको गोल्ड मेडल मिला है, तो ये सारी चीज यहाँ से याद रखने वाली थी। अब आएगा अगला, जी हाँ अगला आ गया है विग्नेश फोगाट, चलिए इनका इमेज रिमूव कर दीजिए और विनेश फोगाट का इमेज डाल दीजिए, तो विनेश फोगाट का इमेज आएगा अब आपके स्क्रीन पर, उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है विनेश फोगाट को लेकर, जी हाँ देखिए आपके स्क्रीन पर है, तो इनको भी जरूर से पहचान लीजिएगा, इनको भी एक मेडल मिला है, कौन सा, स्वर्ण पदक मिला है, किसके खिलाफ, देखिए इन्होंने डिफीट किया है युकी इरे जो जापान की रेसलर थी 50 केजी कैटेगरी में, तो जापान की रेसलर थी ये जिनका नाम है युकी इरे, जिनको हराकर इन्होंने गोल्ड हासिल किया है भारत के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुमेन्स रेसलिंग में 50 केजी की कैटेगरी में
विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल मिला है। इन्होंने जापान की एक रेसलर को हराकर ये जो खिताब है अपने नाम किया है। तो ये चीज आप लोग को जरूर नोट रखना है। रेसलिंग का गोल्ड मेडल भी भारत के पास आया है 65 केजी का, और वुमेन्स का भी रेसलिंग का मेडल आया है भारत के पास 50 केजी कैटेगरी का। तो ये दोनों चीज आप लोग को जरूर नोट रखना है। अब आएगा अगला टॉपिक, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस क्लास का पूरा पीडीएफ मैं अपलोड करूंगा, वहां से आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं क्लास का पूरा जिस्ट दे रहा हूँ अभी, गोल्ड मेडल किसको मिला, किस गेम में मिला, ये चीज सिर्फ नोट रखिए। बाकी चीज इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकती है, लेकिन आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा और आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। देखिए, सौरभ चौधरी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको भी गोल्ड मेडल मिला है। किस लिए? 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए। तो इनको शूटिंग में मिला है ये गोल्ड मेडल। नाम याद रखिएगा, सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल में इनको गोल्ड मेडल मिला है। तो इनसे यही चीज याद रखना है, इस टॉपिक से यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेन चीज है। गोल्ड मेडल मिला शूटिंग में 10 मीटर राइफल पिस्टल में, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से याद रखिएगा आप लोग। अब आएगा अगला टॉपिक, अगला देख लेंगे क्या आ रहा है। जितना भी ये गोल्ड मेडल से इसका कैटेगरी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, सिल्वर का भी जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने कवर किया हुआ है, लेकिन जो ब्रोंज मेडल होते हैं उनके बारे में डिटेल में पीडीएफ में आप लोगों को जरूर मिलेगा, और उसका पीडीएफ के बारे में जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। पीडीएफ सारा क्लास का मिल जाएगा आप लोगों को, एशियन गेम्स का फुल डिटेल में मिल जाएगा, जो भी अभी के वीडियो में नहीं हो रहा है। लेकिन वीडियो में सब इंपॉर्टेंट चीज मैं कवर कर रहा हूँ, मेनली जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए, रानी सनोरबत महाराष्ट्र की रहने वाली है, वो फर्स्ट इंडियन वुमेन शूटर है जिन्होंने गोल्ड जीता है एशियन गेम्स में, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को जरूर याद रखना है, वुमेन्स की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी चीज नोट कर लीजिएगा, वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। महाराष्ट्र की रहने वाली है ये राही सरनोबत, नाम जरूर याद रखिएगा। अब आएगा अगला, देखिए, इंडियन मेन्स टीम जो है हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कौन सा गेम में? सेपक टैक्रो। ये गेम के बारे में काफी कम लोग जानते होंगे, इस गेम का मैं आप लोग को फोटो दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग का टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस गेम से रिलेटेड। जी हाँ, गेम का पिक्चर देखिए स्क्रीन पर है। ये क्या है? ये किक वॉलीबॉल गेम होता है, जैसे हम लोग वॉलीबॉल हाथ से खेलते हैं, ये किक वॉलीबॉल का एक गेम है, एशियन गेम्स के अंदर हुआ है, और जहां पर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि ये गेम इंडिया में उतना ज्यादा खेला नहीं जाता है। आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, कितने लोगों को आप लोग देखें ये गेम खेलते हुए, बहुत ही कम लोगों को। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिला है, हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल मिला है सेपक टैक्रो गेम में, जो कि किक वॉलीबॉल का गेम होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ से नोट रखिएगा। अब आएगा अगला टॉपिक आपके स्क्रीन पर आने वाला है। जितना भी ये क्लास हो रहा है, देखिए आपके सामने एक नीचे लिंक आ रहा होगा मेरी क्लास के सामने, कि successkey.org ग्रुप डी एग्जाम मॉक टेस्ट बोल के 14 टेस्ट का। तो जो भी बच्चे रेलवे का स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, वो अगर चाहते हैं अपना टॉपिक क्लियर करना, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सिर्फ उन्हीं के लिए ये 14 टेस्ट अपलोड किया हुआ successkey98.org पर। वहाँ आप लोग जाइए, ये टेस्ट देकर देखिए, आपका एग्जाम्स का जो टॉपिक है, जो पैटर्न का, वही क्वेश्चन मिलेगा, और आपका एग्जाम्स का रिवीजन टोटल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, तेजिंदर पाल सिंह फ्रॉम पंजाब, ठीक है, इनको भी गोल्ड मेडल मिला है शॉटपुट गेम में। तो ये चीज आप लोग को याद रखिएगा, शॉटपुट जो एक थ्रो का गेम होता है, उनमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। नाम याद रखिएगा, तेजिंदर पाल सिंह। इन्होंने कितनी दूरी फेंकी है देखिए बॉल को, 20.75 मीटर, ठीक है, जो जकार्ता में हुआ था इवेंट, 20.75 मीटर इन्होंने शॉटपुट बॉल को फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम हासिल किया है, तेजिंदर पाल सिंह, नाम जरूर नोट रखिएगा, ठीक है गाइस। बाकी डिटेल भी इसे यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन अभी आप लोग को बताने का जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ जरूर मिल जाएगा आप लोग को, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो इम्पोर्टेंट चीज था मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया आप लोगों को। देखिए, मनजीत सिंह जो है हरियाणा के रहने वाले, अगला टॉपिक आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आया हुआ है। जी हाँ, मनजीत सिंह, चलिए एक बार इनको देख लेंगे, मनजीत सिंह को भी
जी हाँ बिल्कुल, आपके स्क्रीन पर है गोल्ड मेडल इन्होंने भी अपने नाम किया है 800 मीटर की रेस में। जी हाँ, 800 मीटर की रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल का खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने 1:46.15 के अंदर अपना रेस खत्म किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक और चीज दिया हुआ है, जिनसन जॉनसन भी इस इवेंट में सिल्वर मेडल जीते हैं। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि मेंस का 800 मीटर का रेस में जिनसन जॉनसन जो है केरला के रहने वाले हैं, इनको भी सिल्वर मेडल दिया गया है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों आया है 800 मीटर की रेस में भारत की ओर से। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। मनजीत सिंह का नाम जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, गोल्ड किसने जीता 800 मीटर की रेस में। तो ये सारी चीज आप लोग को याद रखने वाली थी। देखिए अगला आ गया है स्वप्ना बर्मन, वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका भी ये टॉपिक। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर है स्वप्ना बर्मन। ठीक है, इनको भी गोल्ड मेडल मिला है वुमेन्स की हैप्लाथॉन इवेंट में। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने टोटल 6026 पॉइंट जो है हासिल किए हैं। एक हर्डल टाइप का रेस होता है हैप्लाथॉन, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है 6026 पॉइंट्स के साथ। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा है। ठीक है, तो जरूर इनका भी नाम नोट रखिएगा। और इनके साथ एक चीज और लिखा हुआ है, फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया है हैप्लाथॉन सीरीज में। तो हैप्लाथॉन जो गेम होता है उसमें गोल्ड मेडल पाने वाली ये पहली महिला भी है, इसलिए इनका नाम जरूर याद रखिएगा, स्वप्ना बर्मन वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप लोग को यहाँ से याद रखना है। अब अगला टॉपिक आपके स्क्रीन पर आएगा, अगला देख लेंगे क्या आ रहा है। देखिए गाइस, आप लोग को अगर ये सक्सेस की 98 का जो अभी क्लास चल रहा है एशियन गेम्स का, अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और हो सके तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास का नोटिफिकेशन बिल्कुल भी किसी बच्चे के पास नहीं गया है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि नोटिफिकेशन के बिना भी सक्सेस की 98 से जुड़ना, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, सक्सेस स्पेस दीजिएगा की 98। ठीक है, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं, सक्सेस स्पेस की 98 हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाइएगा इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहाँ जो भी लाइव क्लास होता है उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को याद रखना था। अब देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए आ गए जिनसन जॉनसन आ गए केरला के आपके स्क्रीन पर। इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, पिछली बार मैंने बताया आप लोग की 80 मीटर में इन्हें सिल्वर मेडल भी मिला है, तो वो चीज भी नोट रखिएगा। इन्हें गोल्ड मेडल किस इवेंट में मिला है, 1500 मीटर की इवेंट में। तो 1500 मीटर में इन्होंने गोल्ड अपने नाम हासिल किया है। 1500 मीटर काफी ज्यादा दूरी की ये रेस थी, लेकिन इन्होंने गोल्ड अपने नाम हासिल कर लिया है। कितने देर में पूरा किया इन्होंने, 3:44.72 के अंदर इन्होंने ये रेस पूरा किया है। देखिए ये जो दिया हुआ है 3:44.72 ये सेकंड में दिया हुआ है, तो जरूर नोट रखिएगा इसका भी। फिनिश किया इन्होंने रेस काफी जल्दी और गोल्ड मेडल अपने नाम हासिल किया है। 1500 मीटर का ये रेस था। ठीक है, नाम याद रखिएगा, जिनसन जॉनसन केरला के रहने वाले। अब आएगा अगला टॉपिक, अब ज्यादा बचे नहीं है, मैं फटाफट करा दूंगा, काफी बड़ा है ये, इसके बारे में आप लोग को बस एक जिस्ट दे रहा हूं। आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि भैया छोटा कीजिए बड़ा कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 4x400 मीटर की वुमेन रिले रेस थी, यानी चार लोग 400 मीटर एक साथ दौड़ लगाए थे रिले रेस में। ठीक है, तो रिले रेस में यहाँ पर भारत को मिला है गोल्ड मेडल, इसलिए ये टॉपिक बताना बहुत जरूरी था। चार भारत के जो दौड़ने वाले थे, यहाँ पर वुमेन्स की मैं बात कर रहा हूँ, महिलाओं की बात कर रहा हूँ, चार महिलाएं एक साथ दौड़ी थी रिले रेस में। 400 मीटर का रिले रेस था, जिसमें शामिल थी, नाम आप लोग को ब्लू कलर में दिख रहा होगा, हिमा दास, एम आर पुवमा और सती बटन गायकवाड और विस्माया वेवुला कोरोत। तो ये चारों नाम आप लोग को याद रखना है, ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है, एक साथ रिले रेस में पार्टिसिपेट किए थे और गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, हिमा दास को सिल्वर मेडल भी दिया गया है, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा एक इवेंट में। ठीक है, अब आएगा अगला,
जी हाँ, देखिए यहाँ पर मैं इसका पिक्चर दिखाऊंगा, आप लोग तब तक बताइए यहाँ पर ये जो टॉपिक्स दिया हुआ है ये कौन से गेम का हो सकता है। काफ़ी सारे बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उनको जरूर पता होगा ये कौन सी गेम का है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर वो गेम आने वाला है फटाफट। जी हाँ बिल्कुल, आपके स्क्रीन पर आ गया है। अब आप लोग का हो सकता है डाउट क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर मैं कबड्डी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेन्स कबड्डी में जो गोल्ड इस साल मिला है वो ईरान को मिला है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक थी क्योंकि भारत कभी हारता नहीं है, सभी को पता है कबड्डी में, लेकिन इस साल भारत को सिर्फ ब्रोंज मेडल मिला है। तो ये चीज़ आप लोग नोट रखिएगा। अजय ठाकुर जो हैं इस बार इंडिया की ओर से कप्तानी कर रहे थे कबड्डी टीम की। ठीक है, और भारत जो है वो सेमीफाइनल मैच में ईरान से हार गया था, और ईरान और कोरिया का फाइनल मैच हुआ था जहां पर कोरिया को सिल्वर मेडल मिला है और ईरान को गोल्ड मेडल। तो ये सारे चीज़ यहां से नोट करने वाली है। ब्रोंज मेडल मिला है भारत को और पाकिस्तान को, तो ये सारी चीज़ आप लोग जरूर याद रखिएगा। गोल्ड किसको मिला, सिल्वर किसको मिला, क्योंकि कबड्डी बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है भारत की ओर से, तो ये टॉपिक से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अब आएगा। जी हाँ बिल्कुल यही है, देखिए ये वुमेन्स कबड्डी की बात हो रही है यहाँ पर जो अभी आपके स्क्रीन पर आया है। तो वुमेन्स कबड्डी का हाल क्या है, यहाँ भी ईरान को ही गोल्ड मेडल मिला है। तो ईरान ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है कबड्डी में, मेंस में भी गोल्ड मेडल मिला, वुमेन्स में भी गोल्ड मेडल मिला। भारत ने लेकिन यहाँ पर सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो भारत की जो महिलाएँ हैं इस बार सिल्वर मेडल हासिल कर पाई हैं एशियन गेम्स के अंदर, और ब्रॉन्ज का जो मेडल है वो थाईलैंड और चाइनीज टैपाई टीम को मिला है। तो ये चीज़ आप लोग नोट रखिएगा। पायल चौधरी जो है वो भारत की ओर से कप्तान थी कबड्डी टीम की। ठीक है, तो इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। ये सारे चीज़ जो भी स्क्रीन पर है सारे याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, गोल्ड किसको मिला, सिल्वर किसको मिला, बड़ा ही आसान है। देखिए कबड्डी का मैं बात करूँ तो ईरान को गोल्ड मिला, क्लियर हो गया। सिल्वर किसको मिला, एक में इंडिया को मिला, एक में साउथ कोरिया को मिला, क्लियर हो गया। ब्रोंज किसको मिला, एक में थाईलैंड और चाइनीज टैपेजी को मिला है जो महिलाओं के लिए है, और ब्रोंज उसमें किसको मिला है, मेंस में तो भारत को और पाकिस्तान को मिला। कबड्डी क्लियर, कबड्डी से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए कबड्डी का जितना भी चीज़ है उसको क्लियर रखिएगा। देखिए यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा था कि 1990 के बाद भारत लगातार 2014 तक कबड्डी में गोल्ड मेडल हासिल करता आया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ जरूर नोट रखिएगा आप लोग, 1990 के बाद भारत लगातार कबड्डी में गोल्ड मेडल हासिल करता आया था 2014 तक, लेकिन 2014 में हार गया है और ब्रॉन्ज मेडल ही मिल पाया है भारत को। तो यही चीज़ मैं कवर करना चाहता था आप लोगों के। 1990 से 2014 तक जरूर नोट रखिएगा, भारत लगातार गोल्ड मेडल हासिल करता आया है एशियन गेम्स के अंदर। ठीक है, चलिए अब आएगा अगला टॉपिक, जल्दी से करा देता हूँ और ज़्यादा बचा नहीं है, 5 या 6 टॉपिक्स बच गए हैं। चलिए रोवर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, देख लेते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर आएगा, देखिए यही है रोइंग का गेम, कुछ बच्चे समझते नहीं है, स्कल्स भी बोला जाता है इसको, तो आप लोग जरूर नोट रखिएगा। इस गेम में भारत को गोल्ड मेडल मिला है, इसलिए आप लोग को बताना जरूरी था कौन कौन इस गेम में पार्टिसिपेट किए थे। देखिए नाम दिया हुआ है स्वर्ण सिंह, दत्तू बोकनाल, ओम प्रकाश एंड सुखमीत सिंह। तो ये चारों पार्टिसिपेट किए थे, आपके स्क्रीन पर इनका फोटोग्राफ भी दिख रहा है, तो जरूर नोट रखिएगा इसका कि रोवर्स जो है स्वर्ण सिंह, दत्तू बोकनाल, ओम प्रकाश और सुखमीत सिंह को गोल्ड मेडल मिला है इस बार। मेंस का जो स्कल्स का था इनका टाइमिंग था 6:17.13, तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया था यहाँ पर, और तीसरे नंबर पर थाईलैंड था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोग को नोट रखना है, गोल्ड मेडल मिला है तो जरूर इसका नोट रखिएगा आप लोग। अब आएगा अगला टॉपिक हमारे स्क्रीन पर, 4 या 5 ही बच गए हैं, आपका एशियन गेम्स का A to J जितना भी डिटेल था मैंने इस क्लास में आप लोग को दिया हुआ है। इस क्लास का PDF जरूर मिलेगा आप लोग को, वहाँ से भी आप लोग अगर चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़िएगा, ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि एशियन गेम्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में। चलिए अगला देख लेते हैं स्क्रीन पर, आप लोग को ऑलरेडी एक बार इसको पढ़ लेंगे।
जी हाँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं टेनिस की, लॉन टेनिस। देख लेंगे यहाँ पर दो खिलाड़ी हैं। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर इनका पिक्चर आने वाला है, रोहन बोपन्ना और दिवी शरण। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, इन्होंने मेंस डबल में गोल्ड मेडल हासिल किया है लॉन टेनिस में। तो लॉन टेनिस में मेंस की डबल्स में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। नाम जरूर याद रखिएगा, रोहन बोपन्ना और दिवी शरण, ये दोनों हैं। इनका इन दोनों का पेयर था और इन्होंने कजाकिस्तान को 6-3 और 6-4 से हराया है। ठीक है, तो ये सारी चीज यहाँ से आप लोग नोट रखिएगा। अब आएगा अगला टॉपिक, अगला आपके स्क्रीन पर आने वाला है, अगले को पढ़ लेंगे। काफी सारा बच्चे जो जुड़े हुए हैं क्लास के साथ, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतने पेशेंस के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्लास काफी लंबा चौड़ा था, तो इसलिए आप लोग का थैंक यू है। लेकिन गाइज, अगर हो सके तो यहाँ से सब कुछ सीखने का कोशिश कीजिएगा, ईच एंड एवरी डिटेल, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए आपकी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर एशियन गेम्स से बने तो। यहाँ पर एक दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर पहला मेडल है, दूसरा नाम है, तीसरा इवेंट है और चौथा इंपॉर्टेंट नोट है। तो यहाँ पर सिल्वर की मैं बात कर रहा हूँ वुमेन सिंगल में, टेनिस बैडमिंटन में, माफ कीजिएगा, पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल दिया गया है और साइना नेहवाल को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। तो ये वुमेन सिंगल की बैडमिंटन कैटेगरी के मैं बात कर रहा हूँ, पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल दिया गया है और साइना नेहवाल को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। तो ये आप लोग को याद रखना है, बैडमिंटन में जो काफ़ी हाईलाइटेड थी पीवी सिंधु, इनको सिल्वर मेडल मिला है और साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन प्लेयर हैं, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इनका पिक्चर जरूर दिखाना चाहूँगा मैं। दोनों काफ़ी एजेड इंसान हैं और दोनों ने गोल्ड हासिल किया उस गेम में जो एशियन गेम्स में पहली बार हुआ है। और अच्छी बात यह है, बहुत ही खुशी की बात यह है कि ये दोनों जो है ये हमारे शहर के ही रहने वाले हैं, कोलकाता हावड़ा के साइड के, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा उत्साह करने वाली बात है। देखिए प्रणव बर्धान और शिवनाथ सरकार, ये दोनों जो है इन्हें किस चीज़ के लिए गोल्ड मेडल मिला है, पेयर ब्रिज इवेंट, मतलब दो खिलाड़ी ताश खेल रहे थे। सोचिए ताश खेल कर भी अब गोल्ड मेडल मिल सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार ऐसा हुआ एशियन गेम्स में, ताश खेलने के लिए दो खिलाड़ी को मिला है। ये पेयर की ओर से खेल रहे थे, यानी दो खिलाड़ी एक साथ खेल रहे थे ताश का गेम, जिसको पेयर ब्रिज इवेंट कहा जाता है। प्रणव वर्धान और शिवनाथ सरकार, जरूर याद रखिएगा, इनका पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छा था, 384 पॉइंट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, दोनों हावड़ा वेस्ट बंगाल के रहने वाले, हमारे घर से बहुत ही ज़्यादा करीब है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अब आएगा अगला, सिर्फ तीन ही बच गए हैं ऑलरेडी, ये आ गया है, मतलब सिर्फ और दो ही बचे हैं। एक काम कीजिए, इनको थोड़ा सा और इधर कर दीजिए, चलिए एक, बिल्कुल चलिए दिख रहा होगा आशा करता हूँ सारे बच्चों को। इसका मैं आप लोग को इमेज दिखाऊंगा, ये गेम का कुराश गेम है। तो कुराश गेम काफ़ी कम बच्चे जानते होंगे, कुराश गेम होता क्या है। देखिए कुराश गेम का एक इमेज आया है, अब आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए कमर पर बांध कर कैराटा खेल रहे हैं ये लोग, तो इसको एक कुराश गेम कहा जाता है। ये जो गेम है वो भी इस साल डेब्यू किया है एशियन गेम्स के अंदर, तो एशियन गेम्स में डेब्यू करने वाला कुराश गेम भी है, जहाँ पर देखिए भारत को एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। पहली बार लॉन्च भी हुआ और भारत के पास सिल्वर मेडल भी आया और ब्रॉन्ज मेडल भी आया है। देखिए यहाँ पर पिंकी बलहारा जो है, इनको मिला है सिल्वर मेडल 52 kg की कैटेगरी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ब्रॉन्ज मिला है माला प्रभा यादव को वुमेन्स की 52 kg की कैटेगरी में। तो दोनों वुमेन्स की 52 kg की आया है मेडल, माफ कीजिएगा, वुमेन्स की 52 kg की कैटेगरी में आया है दोनों मेडल, एक है सिल्वर एक है ब्रॉन्ज। एक का नाम है जो सिल्वर जीती हैं पिंकी बलहारा, और ब्रॉन्ज जो जीते हैं उनका नाम है माला प्रभा यादव। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, कुराश गेम आप लोग के इमेज में है, जरूर इसका नोट रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब आएगा अगला, मेरा सिर्फ दो ही बच गए हैं और जल्दी से आप लोग को करा दूंगा। जी हाँ, अमित पंघाल, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा था ये क्वेश्चन, अमित पंघाल जो है इनका इमेज भी आप लोग को दिखाना चाहूँगा। अमित पंघाल के बारे में जो भी डिटेल दिया हुआ है आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इन्होंने रेनिंग ओलंपिक्स चैंपियन को हराया है, जिसका नाम है हसन बॉय
दस्मैटोव, रेनिंग ओलंपिक चैंपियन थे ये, इनको हराकर इन्होंने 3-2 से गोल्ड अपने नाम किया है 49 केजी की कैटेगरी में। जी हाँ, प्लीज इसका नोट रखिएगा, बॉक्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये एक बॉक्सर है अमित फंगाल, जिन्होंने रेनिंग ओलंपिक चैंपियन जिनका नाम है हसन बॉय दस्टमैव को हरा कर ये खिताब अपने नाम किया, गोल्ड अपने नाम किया है। 3-2 से इन्होंने हराया है। और जो रेनिंग ओलंपिक चैंपियन थे ये उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। तो ये सारी चीज़ आप लोग को नोट रखना है। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका आप लोग को डाउनलोड लेना ही लेना है और इसका नोट आप लोग को रखना ही रखना है, ठीक है। अब आएगा मेरा आज का जो आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, सारे स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट कवर कर दिए मैंने, बच गया क्या? भारत का राष्ट्र खेल, जी हाँ, हॉकी बच गया है। तो हॉकी की यहाँ पर बात कर लूँगा, वुमेन्स की और मेन्स की दोनों की। तो हॉकी की मैं बात करूँगा यहाँ पर, जी हाँ, इमेज भी आ गया है, देखिए इमेज आ गया है आपके स्क्रीन पर। हॉकी की मैं बात कर रहा हूँ, सिल्वर मिला है वुमेन्स की जो हॉकी टीम थी उनको, और ब्रोंज मिला है जो भारत की मेंस की टीम थी उनको। तो ब्रोंज मेडल मिला है भारत की पुरुष की हॉकी टीम को और सिल्वर मेडल मिला है महिलाओं की टीम को। तो ये हॉकी कैटेगरी की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर एक और मैच ऐसा था जो ऐतिहासिक मैच था, जो था हांगकांग के खिलाफ। भारत ने 26-0 से हांगकांग को हराया है और ऑलमोस्ट एक रिकॉर्ड है कि हर 2 मिनट में एक गोल इन्होंने दागा था अपनी ओर से। तो ये आप लोग को नोट रखना है, 26-0 से हराया था हांगकांग को भारत ने। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि 86 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है इसी के साथ। तो ये चीज़ आप लोग को नोट रखना है, 86 साल पुराना रिकॉर्ड भारत ने इस साल तोड़ा है मेंस की हॉकी टीम ने, और इस साल मेंस की हॉकी टीम को ब्रोंज मेडल मिला है, वुमेन्स की हॉकी टीम को सिल्वर मेडल मिला है। तो गाइज, इसी के साथ क्लास तो खत्म हो गया आज का। एशियन गेम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, लेकिन क्लास का नोटिफिकेशन नहीं होने की वजह से काफ़ी बच्चे जुड़ नहीं पाए। लेकिन आप लोगों को एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ। पहले देखिए स्क्रीन पर ग्रुप डी 14 ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर successki98.org पर विजिट कीजिएगा, और रेलवे का ग्रुप डी का जो भी बच्चों का एग्जाम है वो इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी बच्चों को PDF चाहिए एशियन गेम्स का, वो successki98.in से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो successki98.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो है ये आएगा जित्तू सर का शाम को 5 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा 5 बजे जित्तू सर का। ये चीज आप लोग को याद रखना है, 5 बजे आराम से आप लोग खाना वाना खा के आइएगा, 5 बजे शाम को जुड़ जाइएगा जित्तू सर के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और ये देखिए successki98.in पर आप लोगों को क्या मिलता है, PDF मिलता है, सारे क्लास का ऑलरेडी PDF अपलोड किया हुआ है, और एशियन गेम्स का जो भी इंपॉर्टेंट चीज था वो मैंने अपने क्लास में तो करा ही दिया है। साथ ही साथ आप लोगों को PDF में ईच एंड एवरी डिटेल में PDF अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और इसी के साथ क्लास को तो खत्म करूंगा, लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक बार हो सके तो क्लास को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैंने ये क्लास को कल पूरा दिन लगाकर रेडी किया हुआ है सिर्फ आप लोगों के लिए, लेकिन नोटिफिकेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर जुड़ नहीं पाए हैं। तो आप लोग अगर हो सके तो इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर ये एशियन गेम्स का क्लास पसंद आया होगा। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से परसों, जी हाँ, अच्छा माफ कीजिएगा, कल तो मंडे है, कल मिलूंगा 10:30 बजे सुबह में, 10:30 AM करेंट अफेयर्स का जो मेरा रोज का क्लास होता है वही रोज का रेगुलर क्लास रहेगा, जैसा 10:30 बजे सुबह इस महीने का जो टाइमिंग सेट किया हुआ है मैंने वही टाइमिंग पर चलेगा। सुबह 10:30 बजे कल आ जाइएगा, जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स आएगा टॉप 10 या टॉप 15 मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है गाइस। तो कल सुबह 10:30 बजे मैं मिलूंगा, शाम को 5 बजे जित्तू सर मिलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, बहुत मजा आएगा, ट्रिक्स के साथ कुछ कराने वाले हैं आप लोगों को, तो जुड़ जाइएगा शाम को 5 बजे गाइस। PDF यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऑनलाइन टेस्ट ORG से आप लोग दे सकते हैं, लिंक आपके नीचे, ठीक है गाइस।
तो कल मिलूंगा 10:30 बजे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टेक केयर गाइस, बाय बाय।